हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा। तो ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरोज मूवी की एक न्यू लीक आई है, जिससे कि इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यह कंफर्म हो गया है कि जल्द ही हमें इस मूवी में दो नए मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। कौन हो सकते हैं ये दो नए मिस्टीरियस रहस्यमय कैरेक्टर्स, तो आज बात करेंगे इसी के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको मिलती रहे ड्रैगन बॉल से जुड़ी चीजें। तो अभी हाल ही में ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोगों को इस लीक के बारे में पता चला है, और यह लीक आग की तरह फैल गई है, क्योंकि हमें इसमें सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मूवी में होंगे, जैसे कि वेजिटा, पिकलो, गोहान, पैन, ब्रॉली। और ब्रॉली का लुक आपको पता है, इसमें कुछ ज्यादा ही अमेजिंग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लौंडा ट्रेनिंग कर रहा है। और गामा 1, गामा 2, क्रिलिन और गोहान, अगर देखा जाए तो गोहान की दोनों ही फॉर्म हमें देखने को मिल रही हैं इस लीक के ऊपर। तो जिससे कि एक लॉजिक यह भी बन सकता है कि यह जो दो नए कैरेक्टर हैं, यह जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनकी ही कोई दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास गोहान और अल्टीमेट गोहान पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यह गोटेन और ट्रंक्स हो सकते हैं बड़े होने के बाद, कि इस मूवी में वह लोग कैसे दिख रहे हैं। लेकिन मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गोटेन और ट्रंक्स की तो अब कोई मुझे जरूरत नहीं लगती है। जो मुझे लगता है वो यह है कि यह दो मिस्टीरियस कैरेक्टर या तो गामा 1 और गामा 2 के फ्यूजन हो सकते हैं, जो कि गोहान की नई फॉर्म के साथ फाइट करेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी, क्योंकि तभी मूवी देखने में मजा आएगा जब पावर लेवल ज्यादा होंगे और एक घमासान फाइट हमें देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मूवी देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अब तक किसी भी एंगल से गामा 1 और गामा 2 मुझे विलन के लेवल के एंड्रॉइड बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, वो पिकलो वगैरह से लड़ रहे हैं। और अगर हम गोकू और वेजिटा के पावर लेवल की अब कंपेयर करें तो हम सुपर सैयन वाली फाइट अब मूवी में नहीं देखने वाले। तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं, और मेरे ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए। थोड़ा सा एक्टिव फिर से मैं होने लगा हूँ धीरे धीरे, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक या ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी अपना मनपसंद सवाल। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने अभी रिसेंटली एनिमेशन डाला था वो कैसा लगा। बहुत छोटा था, अच्छे अच्छे एनिमेशन भी डालूंगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फाइट, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।